रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं नाज़रीन? आज मैं बनाऊंगी ज़र्दा, क्योंकि ज़र्दा मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए पसंद है कि मेरी अम्मी को बहुत पसंद था और उनकी याद में मैं ज़र्दा बनाती हूँ, और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। शुरू करने से पहले नाज़रीन, मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये हैं तकरीबन 1 किलो के करीब 4 प्याली जो है वो चावल, और ये हैं सेला। ये इस वक्त मैं आपको दिखाने के लिए ये सब रखे हैं, और बेसिकली मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगोए थे और अभी उनको बॉयल कर लिए, और साथ में 2.5 प्याली जो है हमारे पास ये चीनी है, और 1 प्याली जो है वो मेरे पास देसी घी, और थोड़ा सा मैं ऑयल भी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि देसी घी कम है इसके। और ये है 1.5 प्याली किशमिश और 1.5 प्याली बादाम, इसके हम छिलके उतारेंगे पानी में, मैंने भिगो दिए हैं ये बादाम। और ये है नारियल, और इसको भी जो है वो भी हम कटिंग करेंगे। इसके साथ 5 से 10 दाने तकरीबन जो हैं वो 8-9 भी ले सकते हैं आप। तो ये खुशबू के लिए मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ सब्ज़ इलायची और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े और 4-5 लौंग, ये थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं जायकों को, इसलिए मैं ये डालती हूँ। और साथ में 1 कप हम डालेंगे इसमें दूध, और साथ में देसी घी, और ये वाला जो फूड कलर है ये मैं 3 कलर जो है इस्तेमाल करूँगी इसमें से थोड़े थोड़े, और जब मैं बनाऊँगी तो बताऊँगी कि वो मैंने कैसे इस्तेमाल किया। तो चलें हम अब शुरू करते हैं। मैंने बॉयल करके इनको ठंडे पानी से जो है वो छान के रख लिया है, 2 कनी जो है ये बॉयल किए हैं। इन्हीं बॉयल चावल्स में से मैंने कुछ चावल जो है वो येलो कलर में भिगो दिए थे वो बॉयल करने के बाद, और 2 चम्मच चावल जो है वो मैंने लाइट रेड कलर, और 1 चम्मच चावल डार्क रेड कलर, और तकरीबन ये 2 चम्मच जो है ये ग्रीन कलर जो है मैं भिगो दिए थे जी। सबसे पहले डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल, और साथ में देसी घी था ये हम आधा डालेंगे पहले, और आधा मैं डालूंगी बाद में। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले चीनी। इसमें अब हम डाल देंगे चीनी, साथ ही में इसमें 1 कप जो है वो दूध, ताकि चीनी का शीरा बने। दूध के साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 कप पानी, और साथ में ये जो हमारी इलायची और ये दालचीनी और ये लौंग ये भी हम साथ ही में डाल देंगे, ताकि इसका जो है शीरा बन सके। इसको उस वक्त तक हम, चीनी बिल्कुल पिघल जाए और शीरा बन जाए उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढाम देंगे। ये शीरा जो है हमारा वो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम पिंच ऑफ जो है थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि हमारा जो टेस्ट है इन्हेंस हो सके। अब खुशबू आ रही है इलायचियों की, और जिस वक्त ये इसका थोड़ा सा कलर और तब्दील हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपने चावल, और ये जो थोड़ा सा हमने देसी घी बचाया ये मैं लास्ट में बताऊँगी आपको कि ये मैंने क्यों बचाया है, इसमें किस सब हमने डाला है। बस थोड़ी सी चीनी में फ़र्क है, ये बिल्कुल पिघल जाए चीनी, गल जाए, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। और जो चावल हैं हमारे वो 2 कनी जो है ना वो हमने बॉईल किए हैं। ये हमारा शीरा जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसमें ये देखें, इसमें ना अब ये धार वाला हो गया। अब इसकी हम मश जो है वो फ्लेम थोड़ी सी हल्की करेंगे। हम सबसे पहले डालेंगे वाइट, ये देखें ये 2 कनी है, ज़्यादा जो है 75% जो है हमने इसको कुक कर लिया है चावलों को। अब हम इसको ये डालेंगे इस हाथों से, जब तक इंसान ना पकड़े काम ना करे नहीं होता। आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। शीरे में हम सबको करेंगे मिक्स, वाइट चावलों को अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसमें कलरफुल चावल डालेंगे। इस पॉइंट पे हम ये जो कलरफुल हमारे चावल हैं हम ये डालेंगे सबसे पहले, ये
दो दो चम्मच हमने ये जो मैंने चावल थे ये जब बॉईल किए थे तो मैंने ठंडे पानी में डाल दिए थे। ग्रीन को मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो ज़्यादा फैल जाता है। ये थोड़े से मैंने वाइट, कुछ मैंने शीरे वाले कर लिए थे और कुछ मैंने ये कर लिए थे, और ये येलो, ये ग्रीन को मैं लास्ट में डालूंगी। अब मेरे पास ये जो येलो कलर के में जो थे वो मैंने 1 कप जो थे वो उसमें किए थे, भिगोए थे रंग वाले पानी में। लास्ट पे हमेशा जो ग्रीन कलर है वो हमेशा लास्ट पे डालना चाहिए, ये मैं डालूंगी सेंटर में। ये जो येलो कलर है ये ज्यादा वाइट सबसे ज्यादा, ये जो देसी घी मैंने बताया था, अब इन चावलों के ऊपर हम देसी घी जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अभी हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढांप देंगे और उसके बाद देखेंगे। जी ये तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें इसमें कितनी शाइन आ गई है उस देसी घी की वजह से। अब हम इसे, अगर कलर हैं ये तकरीबन सारे जो हैं वो पक चुके हैं, और अब हम इनको मिक्स करने से पहले हम इसमें, ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है और ये हम आधा डालेंगे, आधा गार्निश के लिए रख लेंगे और आधा इसमें हम डालेंगे। और इसको मजीद जो है हम तकरीबन ये 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे दोबारा, और ये सारे कलर माशाल्लाह मिक्स वो पक गए हैं। और थोड़ा सा ये मेरे पास नारियल है, बूरा जिसको कहते हैं नारियल का बूरा, ये जो है बुरादा, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल दिया क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अब हल्की आंच पे जो है तकरीबन जो है 5-7 मिनट और रखेंगे। जी अभी जो है वो तकरीबन 6-7 मिनट और हो गए हैं, और माशाल्लाह जो है ये नज़र आ रहा है, ये इसके पकने की एकदम मुकम्मल दम हो गए नज़र आता है। जैसा कि हम ये किनारे वाले जो चावल हैं ये देखते हैं, या इसमें भिंडी डाल के देखेंगे ये हम कि ये खुश्क है, इसका मतलब है ये दम हो गए हैं चावल। अब इसको हम करेंगे, इस पॉइंट पे हम इन्हें करेंगे मिक्स, और सबसे पहले हमने हल्के रंग को जो है वो मिक्स करना होता है, उसके बाद हम गाढ़े रंगों को मिक्स करते हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये हमारा 5 रंगी 5 कलर्स का जर्दा जो है वो तैयार है, और अब मैं इसको चखूंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। तो चले मैं इसको चखती हूँ। इतना अच्छा जर्दा बना है माशाल्लाह, इतना बैलेंस्ड कलर और बैलेंस्ड इसके अंदर मीठा और बेहतरीन खुशबू, बहुत अच्छा है नाजरीन। आप मेरे तरीके से जर्दा बनाएं, अगर अच्छा बने तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आइंदा तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।